आज तो हद ही हो गई। अरे कहाँ पे हो ताऊ जी, बाहर निकल के आओ। अरे लल्ली सोनिया, तू मेरे दरवाजे पर, चल अंदर। अरे ना, कोई जरूरत ना अंदर जाने की, बस यही ठीक है, हम यही तक ठीक है। कैसे आई? बहुत दिन हो गए, पैसे दे दो। लाओ पैसे। हाँ, मैंने कब मने करी देने की? अरे तो मने भी ना करी, दे भी ना रहे हो, यो कौन सी बात है लल्ली? थोड़ा सा अभी ये है कि वो चल रहा है, मामला तो खराब चल रहा है। देखो तुम्हारा मामला पिछले एक साल से खराब चलता आ रहा है। देख सुन, लेकिन मेरी बात सुन लो पहले। तू सुना ले। ऐसा है, उसकी ब्याज भी लग गई है। तो मैं कब मना करूं? ब्याज समेत मुझे मेरा पैसा चाहिए, हराम का पैसा है हमारा। मैंने कब कही है? मैंने कब मुझे पता है मेरा आदमी कैसे कैसे बेचता है? मुझे पता है तेरा आदमी बजा नहीं, कैसे कैसे गोल्ड पे बेचा रहा दुनिया भर की। गोल्ड पे नहीं है वो। तो पता है मेरा आदमी कैसे कैसे कमाता है? क्या कमाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, गोल्ड में। कौन सा इंजीनियर? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर। हाँ वही वही। हाँ वही वही। थोड़ी सी मैं बोल नहीं पाती हूँ ना। ये कब कहना, कम पढ़ी लिखी है ना? पढ़ी लिखी तो बहुत हूँ, बीए पढ़ी लिखी हूँ। दो शब्द वो भी उल्टे। अब चाहे उल्टे हो चाहे सीधे, पर मैं ये कह रही हूँ मुझे मेरा पैसे दे दो। अब मेरी बात सुन। देख आज तारीख के, आज तारीख होगी शायद नौ 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 दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस तैतीस तारीख को आ रही हूँ। तैतीस? हाँ। तैतीस तारीख कौन सी होती है? है होती है। कौन सी? अरे होती है, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। इकतीस के बाद एक आएगी फिर दो आएगी, तो वो तैतीस तारीख कहता हूँ मैं उसे। दो तारीख को आ रही हूँ। तीन तारीख बोलते हैं उसे। दो तारीख हो गई लल्ली, इकतीस का महीना है ये। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दस दिन के अंदर अंदर पैसे चाहिए तो चाहिए, वरना मैं क्या करूंगी? क्या? ये तुम दस दिन तुम्हारे तो ग्यारहवें दिन मेरा। ठीक ठीक है ना? ये मत करा करो, ये यू हो जाएंगे किसी दिन, ये लगाने लायक भी ना छोड़ूंगी मैं किसी दिन। हाँ देख लेना। मैं चिंता को कर रही हूँ। हराम का है हमारा पैसा। मैंने नहीं कहा। हाँ। मैंने कब कही था पैसा हराम का? बता। देख तेरे ये बेटी का पैसा खा के कोई आज तक सुरक में नहीं आया। मुझे अब नरक में ही गए। मुझे शर्म होनी चाहिए। अरे बेटी समारू तुम्हारी, तुम पैसा खा के बैठे हो हमारा। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए, मैंने तुम्हारी मुसीबत में काम चलाया है, सबसे पहले मेरा पैसा देना चाहिए था तुम्हें। मैं मने कर रहा हूँ देवी, मैं मने कर रहा हूँ। मने भी कर रहे ना, दे भी रहे ना, ये कौन सी बात हुई? अभी तू ग्यारह तारीख की कह रही हो, ग्यारह तारीख को लड़ने आई हो, अब मत आए। ठीक है मुझे मेरा पैसा चाहिए, बता रही हूँ। हाँ। मैं कौन, जानते नहीं है तुम मुझे? हाँ, कोल्ड वाली की बहू है तू। देखो मिल गए। राम 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 राम। लल्ला कहाँ से आ रहा है भाई, नया कुर्ता पहन के? क्या चक्कर है, आज बड़ा सुंदर लग रहा है तू। अरे मेरी मम्मी चल कर रख गई थी पहले, बहुत सुंदर लग रहा है, चलता हूँ मैं। चल मुझे कहाँ 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 चलते हो? ऐसा ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पैसे दो। तुम है बहुत दिनों से चूतिया बना रहे हो मुझे। क्या बना रहा हूँ है? चूतिया बना रहे हो? अरे नहीं यार, मैं बेवकूफ तुझे क्यों बनाने लगा? तू अपना गांव का बेटा, तू अपना गांव का इतना बढ़िया सदस्य, इतना बढ़िया आदमी, तुझ जैसा साफ शुद्ध नागरिक इस पूरे गांव में नहीं है, सुंदर। अच्छा हाँ, मैं मतलब ये समझ लो तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर करके तुम है मुझे भटकाना चाहते हो? नहीं, नहीं भटकाना नहीं चाहता। फिलहाल तो देख ऐसा है, हिलारो लिलाल मत करो। सुन मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? सुन लूंगा। रात को आया सपना मुझे। हाँ, वो क्या कहते हैं, मेरी मरी हुई स्वर्गवासी अम्मा का सपना आया। मेरी मरी हुई स्वर्गवासी अम्मा ने मुझे सपना देकर ये कहा कि लल्ला जब मैं जिंदी थी तो तेरे पिताजी के चक्कर में मैंने क्या कहते हैं उनके लिए 84 कोस की परिक्रमा बोल दी थी, तो अब मैं तो लगा नहीं पाई, तो तू लगाया। मैं कहानी मत सुना, हमें कहानी मत सुना। कहानी नहीं सुना रहा बेटा, कहानी नहीं। हाँ कहानी मत सुना, ऐसा तुम खामखा वाली बस फालतू बातें मत करो, मेरे पैसे दो मुझे। ऐसा तुम मेरे पैसे दो, खामखा मत करो। मैं पैसों की मैंने थोड़ी कर रहा हूँ, जब तक तुझे 5 का सफर हो गया तो तू 5 दिन का नहीं कर सकता। 5 दिन का? हाँ, मेरे पास बैंक से 18 रुपया आने वाला है। अरे तुम ये बात ले, 18 रुपए वाले काहे का आने वाला है? काहे का? मेरी क्या कहते हैं बहू मर गई थी ना एक्सीडेंट से, उसका क्लेम मिलेगा अब। एक्सीडेंट हो, तुम्हारी बहू मर गई, उसका क्लेम मिलेगा अब? और मर कितने साल पहले गई वो? 3 पहले। ऐसा तो मुझे बेवकूफ कम बेवकूफ नहीं बना रहा बेटा। अब ऐसा था, मैं बहुत दिन से बैंकों के चक्कर में लगा रहा था, धुआंधार चक्कर काटने धुआंधार चक्कर काटने, अब जाके वो क्लेम फाइनल हुआ है तो अब मिलेगा मुझे 18 रुपए। और 18 में से मैं तो प्लॉट भी दे के आया हूँ 6 का, बाकी तेरे पैसे दे दूंगा और 6 का प्लॉट ले। देखो तुम कुछ भी करो उन पैसों का, पर मेरे पैसे मुझे दे दो। चिंता मत कर, 5 दिन बाद दे दूंगा। 5 दिन बाद पक्की बात है? अरे कहाँ जा रहे हो? 84 पर कम्मा को 1.5 महीने के लिए। माला को काहे को बदनाम कर रहे हो? पूरे 10 दिन हो गए। अरे राम राम बहन जी। अरे राम राम भैया। और बढ़िया? अरे बढ़िया क्या, बस ये समझ लो जब किसी को कर्ज दे दो ना
तो वो उसी पैसे भीख की तरह मांगना पड़ता है। भाई यही तो बात है, इसी बात का तो पछता रहे हैं। अपना ही पैसा हमें भिखारी बन के मांगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि जैसे लिया है वैसे दे दूं। वैसे तुम किससे कर्जा करने जा रही हो अपना? वही वो ताऊ जी जो है, उन्हीं पैसे लेने जा रही हूँ पैसे अपने। वो छुट्टन? हाँ, उन्होंने आज दसवें दिन की कही थी मुझसे। क्या दसवें दिन लेके गई हो तू? अबे अभी वो परकम्मा लगाने गया गोवर्धन के। परकम्मा? और क्या, अभी उससे मिल के आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल पापी, पापी दुष्टि। अरे माला लगा, एक नंबर का हरामी वो परकम्मा। वो माला जब रहा था यूँ कह रहा था कि 8 दिन बाद आऊंगा मैं वापस लौट के, 8 दिन बाद तुम सबके पैसे देके मैं निधर्क हो जाऊंगा। काहे को अपनी पैर अशुभ रख के वो की वृंदावन की जमीन को खराब करना चाह रहा है? उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। उसकी बीवी? हाँ मर गई थी ना उसकी बीवी तो। एक्सीडेंट से थोड़ी मरी थी वो। अरे एक्सीडेंट से ही मरी थी, लेकिन इसकी कलेश की वजह से मरी थी वो तो। अरे वो तो बीमार थी, एक्सीडेंट से काहे को मरी? पागल है, इसने मार दिया, इसने लिखवा दिया उसमें कि एक्सीडेंट से मर गई है। अब उसके 18 लाख रुपए ये सरकार से ले रहा है, तो जब कह रहा था कि 18 लाख रुपए लेने के बाद में मैं तुम सबके पैसे देने के बाद में अपना एक प्लॉट बनाऊंगा अलग। अरे हमें इस बात से मतलब नहीं, कुछ भी कर। सही बात है, और हमें पैसा दे दे। हमें पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए। अभी पैसे ऐसा है, लेकिन वो परकम्मा के लिए चला गया तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे मेरे हाथ? दर्द तो तुमसे आज की। अरे आज की तो बोला था। लो तुम्हें बना गया पागल, और मैं तो अभी मिल के आ रहा हूँ। मुझसे उसने कहा कि मैं 8 दिन बाद आ रहा हूँ। अब ऐसा करना कि तुम भी अब घर चलो, 8 दिन बाद तुम और मैं दोनों संग संग आ जाएंगे। अरे घर कैसे चली जाऊँ? वो रास्ते में मिल जाएगा मुझे? रास्ते में कहाँ मिलेगा, वो तो गया मोटर गाड़ी में बैठ गए। हाँ फिर मेरे पैसे? पैसे 8 दिन बाद कह दो रहा हूँ, 8 दिन बाद लौट के आएगा तभी तो मिलेंगे। मैं तब चलो, सोचो मत इतना, चलो घर चलने। 8 दिन बाद आएंगे दोनों। इतने दिन सहा दो। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब। राम राम। राम 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 राम। और सब? और सुबह सुबह कैसे दर्शन दे दिए? अरे दर्शन मगर तुम्हारे दर्शन बड़े अशुभ होते हैं। नहीं अशुभ नहीं चौधरी साहब, मैं तो बहुत ही मान लो अपना समझ के आया था। मैंने कि अगर तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम्हारा कुछ 2 पैसे का फायदा कराया हूँ। मेरा? हाँ तुमसे और फायदा किसी का हो सकता है? हाँ हो सकता है, पूछो कैसे। मैंने आज से करीब 3-4 साल पहले एक जमीन ली थी। अच्छा। 1100 रुपए गज में। अब उस जमीन के रेट हो गए 6000 रुपए गज। और देखो मैं किसी और को बेचूंगा तो उसमें हो जाएगा उसको फायदा। मैं तुम्हें उस जमीन को 5500 रुपए गज के रेट में लगा के दे दूंगा, अगर तुम्हारे मन में हो तो। 100 गज का प्लॉट है। विश्वास तो नहीं होता तुम पर हमें। इच्छा है, देखो तुमने देखा भी होगा मेरा प्लॉट। यहाँ से तुम निकल के आओगे, जैसे निकल के जाओगे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे में बिल्कुल रोड के किनारे 40 फीट का रोड मिल रहा है। आगे ट्रक खड़ा करो, बस खड़ी करो प्लॉट के आगे। अच्छा। और डबल ब्रेड, 2 साइडेड रोड है उसके। एक तो ये वाला रोड मिल रहा है, एक ये वाला रोड मिल रहा है उसे। जो समोसे की दुकान है बराबर वाला जो है वो मेरा ही है। अच्छा। मैंने कही अब और किसी को बेचूं, मैं चौधरी साहब को देने आ रही है वो। हाँ ऐसा तो नहीं है किसी और का हो? मैं कागज दिखाऊं? चलो मेरे साथ घर पे। कागज तो मैं देखूंगा, और कागज क्यों नहीं देखूंगा। चलो तो चलो घर पे, चलो चलो दिखाओ कागज नंबर। मेरे चौधरी साहब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। विश्वास तो है तो फिर तुम्हें... विश्वास तो मुझे तुम पर बहुत है तो मगर तुम गांव में बड़े पॉपुलर हो। नहीं ऐसी बात है, मैं बताऊं पॉपुलर में इस चक्कर में उन लोग बागों ने मेरी झूठी बढ़ा दी है। ऐसा मुझसे छेड़ते हैं, इसने प्लॉट भी ले लिया, इसने सब काम कर लिया। ऐसा था मेरी बहू मरी थी ना तो मुझे पैसा मिला था क्लेम का, तो उस समय मैंने प्लॉट ले लिया। अब गाँव वालों को होती है जलन। अब प्लॉट मैं यूँ बेच रहा हूँ कि अब यहाँ से प्लॉट प्लॉट बेच के, और मैं क्या कहते देखो मेरा तो 2 रोटी का खर्चा है। तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा तो मुझे 2 रोटी। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं बात तो तुम्हारी समझ चुका, तुम असल मुद्दे पे आओ, चाहते क्या हो? मैं चाहता ये हूँ, देखो तुम लेने को प्लॉट के कागज तो देखो कचहरी में चलने को अभी चलो, कचहरी जाना पड़ेगा। और तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो कल मैं कागज ला के दे। चलो मैं विश्वास तो कर लूंगा थोड़ा सा। अब फिलहाल मुझे 10000 रुपए की जरूरत थी, इस चक्कर में आया था मैं। चलो ठीक है, हम तुम्हें पैसे तो दे देते हैं। हाँ हाँ, मगर हमें कल कचहरी ले चलना। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत होकर सवेरे ही आ जाऊंगा मैं। 9 बजे कचहरी के गेट खुलने से पहले तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है ठीक है, पैसे तुम ले जाओ, इतना तो विश्वास है। ये देखो सब गांधी के हैं, पूरे हैं। पूरे? हाँ अब गिन गए, हमारा विश्वास नहीं है। ऐसी बात थोड़ी है, अपनी तरह समझ रहे हो ना। ना ऐसा ही लग रहा है। ना ना चौधरी साहब, ऐसा देखो तुम्हारी ज्यादा पहुंच जाए तो तुम्हें भी नुकसान ना हो, मैं तो ये। चलो ठीक है ठीक है। तो चौधरी साहब अब देखो 5500 रुपए गज के हिसाब से मेरे पास आ गए तुम्हारे 10000 रुपए एडवांस। ये एडवांस है? एडवांस आ गए, बयाना आ गया। बयाना है ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब तुम्हारा 5.5 लाख का प्लॉट, लेकिन बेनामा तुम्हें कराना पड़ेगा। वो बेनामा मैं करा लूंगा, मगर कुछ रेट घटेंगे बढ़ेंगे ना। सही 5.5 ही
तुम रेट ले लेना, 6000 की रेट है सबरी में, मैंने तुम्हें 500 रुपए घट के लगाया, तुम पता कर लेना। तो फिर ठीक है मैं। अच्छा अब ये बताओ उसकी सफाई भाई? हाँ अरे सफाई पूरी माचे जो तुमने अपना तान तमीड़ा बिटोरी के खंडो को और माँ से खाली साफ सफाई होनी और काम चालू कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है चलो चलता हूँ मैं। राम 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 राम। वैसे बिजनेस हमने घाटे से तो किया नहीं है। अरे हम भी तो चौधरी हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, पूरा पूरा प्रॉफिट आ रहा है। 10 रुपये एडवांस, 10,000 एडवांस का कोई बात नहीं, चलिए देखते। अरे सुक्का बेटा, ओ सुक्का बेटा, ये सवेरे सवेरे कौन भौंक रहा है बाहर? अरे वो प्रधान जी, राम राम। तुझे तू क्या मतलब, का मतलब उल्टा सीधा बोलता हुआ आवे? कम से कम दे तो देख ले द्वार पे कौन आया है। अरे ऐसा लड्डू प्रसाद जी का लड़का उधम मचा रहा है यहाँ पे, इसलिए अब उसके बाद तुमसे मिलती जुलती लग रही, तो इसलिए मैंने समझा कौन भौंक रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ सबका, हमने एक प्लॉट लिया है, वो जो समोसे की मिठाई की दुकान है वहाँ के बराबर में जो प्लॉट पड़ा है, है ना? हाँ, भिटोरे भिटोरे लगे हुए हैं वहाँ पे, भिटोरा रखे हुए हैं, तो प्लॉट है पूरा। हाँ पूरा प्लॉट है वो चौकोर। हाँ और चौड़ा रोड है, 40 फुट चौड़ा। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ अरे वाह, तुम्हारे बहुत बधाई हो तुम्हें। अरे बधाई का तुम। अच्छा और दूसरी चीज, हम चाहते हैं सुक्का तू वहाँ पे सफाई कर दे यार। सफाई कर दूं? हाँ बताओ बताओ क्या क्या सफाई। सब वहाँ से सब गंद खाना वो उठा के फेंक दे, हम काम शुरू कराएंगे उस प्लॉट। अच्छा बिटोरा वगैरह में जो गंद खाना है वो सब? हाँ वो सब हाँ हटा दे और बाकी सफाई कर दे, फिर हम जो है नीम खुदवाना शुरू कर देंगे और दीवारों में ठुमा के और दरवाजा लगा के चौखट वोखट लगा के और बस समझ लो सब मुहूर्त शुरू हो जाएगा। ठीक है तो मैं कर लूंगा। अब ये बता दे क्या पैसे लेगा? 2 रुपये लूंगा मैं, 1000 रुपये प्रधान जी। इतने सारे पैसे मांग रहा है का? छाती भर के ले जाओगे? अब मैं कह दूंगा कन्नम, ये तो सोचेगा गांव देहात के हैं सब। अरे गांव मुंह फाड़ के 1000 रुपये दे देना। सफाई कर रहा है ये, जेब सफा कर रहा है। एक मैं आऊंगा और एक मेरा, एक और मैं बुला लाऊंगा। एक तो भाई दोनों जने करेंगे ना साफ सफाई करेंगे, मैं फामड़े से एक सार करूंगा उसे। चल ठीक है ठीक है दे देंगे। मार मत लेना पहले की तरह, तुम बहुत पैसे मारते हो। अरे इल्जाम लगा रहा है फ्री में, एक तो हमारी जेब काट रहा है, है ना? और ऊपर से ठप्पा और लगा रहा है कि तुमने पहले ना पिछले दिए पैसे। तू पैसे छोड़ देगा? अबे 10 का सिक्का गिर जाए तो तू जबान से उठा ले। हैं ऐसी बात करो। ठीक है मैं आ जाऊँ चंदा। ठीक है आ जाइयो। ठीक है कब आना बताओ। अरे मेरे जाने तू आज सफाई करा दे चाहे कल करा दे। ठीक है मैं कल कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है मैं चला जाऊंगा। ठीक है तुम जाओ। हाँ ठीक है चाय पी के जाओगे? आया चाय पी ले आ जा। राम राम। चल चल ठीक है राम राम जा निकल ले। अरे राम राम मुखिया जी। अरे राम 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 राम। और बेटा कहाँ आ रही है? अरे मैं यहीं जा रही थी जरा पास में। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। तुम कहाँ से आ रहे हो इधर से? अरे मेरी क्या बताऊँ तुझे, थोड़ा सा काम आ मुझे सुक्का से। सुक्का से? हाँ तुम्हें क्या काम पड़ गया? अरे तुझे क्या बताऊँ, थोड़ा सा जरूरी काम था मुझे तो उससे थोड़ी बातचीत करने गया था, थोड़े काम वाम की, मैंने कहा थोड़ी सा साफ सफाई कर देगा समझे। किस चीज की? अरे एक जमीन है मुझ पे छोटी सी। अभी खरीदी होगी शायद? ना दिन हो गए खरीदी। अच्छा दिन हो गए खरीदी। चलो सही है। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। अच्छा तुम्हें लड़की दिखाई ना देती? असल में वो गई है अपने मामा के घर। वहाँ क्यों भेज दी तुमने उसे? क्या उसकी ननियाल ना है, क्यों ना जाएगी? अच्छा वो पढ़ रही है वहाँ पे तुझे ना मालूम? अच्छा अच्छा तो शादी वादी के लिए ना सोचा उसके के लिए? अरे अभी कोई उसकी उम्र है? अरे अभी पढ़वे की उम्र है, डॉक्टर बनाना है उस लड़की को और बड़ी बनेगी वो पढ़ लिख के, बहुत बड़ी आदमी ना। वैसे इसलिए कह रही, अगर रिश्ते विश्ते की कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं अच्छा से रिश्ता लगवा दूंगी। हाँ तो बताएंगे जब अगर समय आएगा ऐसा तो। ठीक है ना पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, डॉक्टर नहीं बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए या कुछ भी बन जाए, मगर बड़े पढ़ लिख के बड़ी बन जाए। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? तू हमारी छोड़, हम तो 8 दूनी 16 है। 8 दूनी 16? हाँ और 16 दूनी 8। हाँ वही 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 16 दूनी 8। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। वैसे अब तो चुनाव उनाव आने वाले हैं। हाँ चुनाव आएंगे, मगर तू हमारा ध्यान रखियो। किस चीज का? अरे चुनाव आएंगे हमारे, प्रधानी के आएंगे।
अच्छा पहले प्रधान के चुनाव है, उसके बाद में? हाँ चलो देखेंगे, पर इस बार मुझे लग रहा ना कि तुम जीत जाओ, क्योंकि इस बार तो वो पल्ले मोहल्ले का रमेश है ना, वो खड़ा हो रहा है। अरे तू तो हमेशा ऐसी बातें करती रहे, हमने विकास में कोई कमी छोड़ी है गाँव में? हाँ हाँ, कौन सी कमी छोड़ी है बता, कौन सी नाली नाला बम्बा बम्बी कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इस गाँव में कम्प्लीट? इस गाँव में शौचालय बनवाई तुमने? शौचालय? अरे शौचालय घरों में बनवा दी सबके, क्या घर में जरूरी है? आधो में बनवाई है, आधो में नहीं है। नहीं नहीं, एक एक घर में बनवा दिया। प्रधान जी, योगी जी ने लेटरिंग भेजी थी लेकिन उसे तुम खा गए। अच्छी क्या बात करती है। अरे योगी जी ने ये बोला था कि घर घर शौचालय बनेंगे। तो घर घर हमने शौचालय बनाया, तेरा मतलब ये कि गांव में जगह जगह शौचालय बना दे, गांव गंदा और लगेगा दूर से जो आएगा। अरे पहले, अरे शौचालय नाप मुंह बनाता हुआ जाएगा। अरे हमने घर घर में शौचालय बनाया, बस सड़कों पर नहीं बनाया। घर घर से मतलब नहीं होता है, घर घर में तो लोग अपने आप बनवा लेते हैं शौचालय, ठीक है ना? हाँ, बात होती है उसकी जो बाहर जो गेट के बाहर जो शौचालय होता है। हाँ, तो लोग खुद बनवा ही लेते हैं। तुम क्या बनवाओगे? अच्छा, खुद बनवा लेते हैं खेतों में भागते फिरते, मानती ना है अपने आगे। बात खेतों की नहीं होती, पर इस बार पहले मेड़ों पर चलते फिरते, पर मुझे इस बार लग रहा है एक दूसरे के सामने बैठ जाते, शर्म ना करते। कम से कम अब घरों में बनवा दिए हमने, और नाम ले रही है क्या, अपने आप बना ले, अपने आप बात बना ले। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है गाँव की औरतों के साथ आमने सामने बैठे हो गए। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो आमने सामने। अरे पहले चलो, पर इस बार तुम जीतोगे ना, मुझे लग रहा है। देखा सुब फिर चुप चुप बोल के जाकर ये लोंडिया साहब बड़ी मक्कार है इस गांव की। अरे बताओ, मुझे तो पता ही ना लग रही कौन सा ब्लड हुआ। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, अरे सुक्का। हाँ प्रधान, राम राम। राम 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 बेटा, और सुना? डकार मार रहे हो? डकार नाश्ता करके आ रहे हैं भाई, आ रहे हो अंदर? मैं ये कह रहा हूँ वो ये बताओ कौन सा प्लॉट है, मैं भूल गया है का, वो बाहर का वो खड़ा है का। अरे यार तुझे मतलब हर चीज, अबे तुझे बताया ना समोसे की दुकान है। ऐसा मैं बताऊं? हाँ? वो साथ ही संख्या मेरा खड़ा है साथ में, हम दोनों। हाँ? चल रहे, तुम भी चलो। देखो तुम वहाँ पे अगर खड़े होके करवाओगे ना तो चार लोग ये कहने वाले नहीं रहेंगे कि हम अब चले गए और हम वहाँ पे खुदाई करने लग गए तो भाई चार लोगों की गंदी नजरें होती है कि ये क्या कर रहे हैं दूसरे के प्लॉट में। अरे दूसरे के प्लॉट में क्या, सीधा कहियो कि प्रधान जी का प्लॉट है, मैं सफाई करने आया। अरे तुम चलो ना, क्या कर रहे हो घर पे? चल तो चल। है? देख, देख। अरे मैं मुझे ले जा रहा है, मतलब मैं और काम देखता कुछ। अरे और काम बाद में देख लेना, तुम बता तो समय ही समय है, हम क्या फ्री हुए बैठे हुए। चलो तो अपनी तरह समझ रहा है, समय ही समय है, तुझे पता ना पूरे गांव की जिम्मेवारी है। चल जिम्मेवारी कुछ किया तुमने गांव में आज? अरे पूरा गांव सजा कर रख दिया मैंने। हाँ प्रधान जी। हाँ चलो चलो, धीरे धीरे चलते तुम लगे पैरों में। अब बता कौन से उनमें से कौन से बटोरे? देख ये बटोरे हैं सारे हमारे, इन्हें सबको सफा कर दे तू, और ये प्लॉट बिल्कुल सारा बिल्कुल साफ करके रख दे। फिर मैं देख नीम खुदवाऊंगा, इसकी चौबंदी करा के, और एक खड़ी करूंगा चौखट, और चौखट पर लगवा दूंगा दरवाजा। हाँ जी, यही तो दबाव नहीं है। हाँ हाँ, ये सब सफा कर दे। ठीक है ठीक है। हाँ अरे बहन जी, राम राम। राम राम। अरे कैसे मीटिंग लगी पड़ी है दोनों? प्रधान जी सफाई करवाना है अपने प्लॉट की। अपने प्लॉट की? हाँ तुम्हारा प्लॉट है ये? और किसका है? तेरा है। चश्मा निकाल के बात करो जरा। चश्मा निकाल कर? ये जो ये आंखें हैं तुम्हें दिखाई ना देता होगा, ये किसका प्लॉट है? अच्छा तुझे दिखे ना, दो दूनी चार आंखें हैं मेरी। अरे तुम्हारी 18 भी होंगी, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। ये मेरा प्लॉट है और ये सारे बिटोरे मेरे हैं, समझ में आ गई? तेरा प्लॉट है? बैक पागल हो गई है, ये प्लॉट हमारा है। किस हिसाब से? किस हिसाब से? अरे हमने पैसे दिए हैं इसके। किसको दिए? 5,500 रुपए गज के रेट दिए। किसको दिए? किसको दिए? हाँ। छुट्टन को। अच्छा तो उस बेईमान को दिए? अच्छा बेईमान है? होता कौन है वो मेरी मेरी जमीन को बेचने वाला? ये मेरी जमीन है, मैं चाहूँ बेकू इसे ना बेकू, और ये मेरी बगैर इजाजत के किसको दे दी? पूछ लो इससे, पता ना आ रहा तुझे? वो तो मैं जानता हूँ, इन्होंने पता नहीं कौन सी जमीन बताई थी, लेकिन अगर ये जमीन तो इन्हीं की है। इनकी ना, 5,500 रुपए गज के पैसे दिए। सबकी लेटरिंग खा के पेट में खा के बैठे हो, अब दूसरों की जमीन भी खा जाओ। शर्म नहीं आ रही? सही कह रहे हो, तुम सब खिला दोगे, आराम का माल है। आराम का तुम समझ के दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हो? बकवास मत करियो। असली कागज तुम्हारे मुँह पे ला के मारो। कचहरी जाऊंगा, कचहरी में कागज का बेनामा। कागज दिखाओ। हाँ दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। छुट्टन होगा, फर्जी होगा, असली फर्जी ना, फर्जी ना। छुट्टना लेके जाऊंगा कचहरी। छुट्टना तो
तुम छुट्टन को लेके आना, तब जाके इनकी मुलाकात करवाना, तब जाके इस जगह पे तुम फामड़ा चलवाना, क्योंकि तुम तो हमारे छाती पर गोली चलवा दोगे इस हिसाब से। अरे गोली बोली ना, ऐसा शराब पस्त निकल जाओ, वरना इकट्ठा तुम्हें प्रधान बनवा दूंगी। अभी सही बात है, फ्री का माल है हमारे पास। अरे पैसा लेके गए, मैं कह रहा मैं मेरे साथ कचहरी चलो। मैंने कहा आज ना करवा रहा मैं, चल तू पैसा ले जा, मैं कल करा लूंगा। देखो मुझसे बकवास मत जाते, जब मैं बकने पे आ जाऊँ ना तो फिर छोड़ देना किसी को भी। रुक जा, मैं भी छुट्टना से मिल रहा हूँ, तो कुछ कहना रहा हूँ। क्या लगा रखा, निकलो चले यहाँ से। हाँ मैं बताऊंगा कौन निकलेगा, बताऊंगा मैं। प्रधान जी आ जाए, तुम गांव का लड़ाई मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे चलने दो। तुम मेरे माने में मैंने एडवांस दिया है जमीन पे, तो दूसरे का प्लॉट खुदवा को तुम इस तरीके से। हैं दूसरे को कहाँ से है, मैं तो कल पहना मैं करा लूंगा। ये सुन, कोई एम्बुलेंस बुलाए ना। आदमी पागल, अरे पागल है ये तू। हे चलो यार, मतलब प्रधान को पागल बना रही है। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूं। तुम्हारे जूता भी प्रधान ना बनेगा, मैं कल बताऊंगा। तो लेटरिन खा के पागल है, छुट्टा ना पकड़ूंगा मैं। ये आदमी बिल्कुल बुद्धि ना चीज ही नहीं है, बेवकूफ आदमी। जाए और भैया सुखा सही है तू? और भैया मत करो, तुम्हें पुलिस ढूंढे ढूंढ ली है गांव में पूरे में। पुलिस? पुलिस क्यों है? तो अभी तक पुलिस गांव से बाहर नहीं निकली है, तुम्हारी तैदी घास कर रही है। ढूंढ क्यों रही है? ढूंढ इसलिए रही है, तुमने जो है उस मोटी का प्लॉट जो प्रधान जी को बिकवा दिया है। बिकवा कहाँ दिया, वो तो मैंने खाली 10,000 रुपए एडवांस ले लिए। तो अच्छा, और जो असली कागज है वो असली कागज तो उनके पास है। और मैंने तो कागज दिए ही नहीं, मुझ पे तो नकली भी नहीं है। सुनो हुआ क्या, प्रधान जी आज मुझे ले गए उनका जो खेत में जो बिटोरा वगैरह रखा है ना, है ना, उनकी जगह में बिटोरा वगैरह कूड़ा करकट जो था उसको सफाई कराने के लिए। सुक्का चक्कर ये था, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने की ला कुछ ना तो प्रधान जी से ही मांग ले जा रहा हूँ। प्रधान जी से वो पैसे तो देता नहीं प्रधान, तो मैंने की ला प्लॉट की टोपी घुमा दे रहा हूँ, प्लॉट की टोपी घुमा दी, 10,000 रुपए ले गया। टोपी? अब टोपा घुमाएगा तुम्हारे ऊपर पुलिस का है? और क्या, तो कुल मिला के ये मुझे गांव में जाना सही नहीं है। जूता पहनेंगे, चलो तुम्हें तो पकड़ ले जाऊंगा। कहाँ ले जा रहा है, मैं कल आता हूँ। हाँ मेरे पैसे, ए सुनो, ए यार ये आदमी पूरे मेरे भी पैसे खा के बैठे हैं। प्रधान जी को तो फंसवा दिया, अब इनका कुछ नहीं होने वाला, पुलिस ही ले जाएगी ना।